रहमानुर्रहीम एक्सरसाइज 4.3 और उसमें क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बिल्कुल से क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 6 है। बस उसमें क्वेश्चन नंबर 6 में हमने पैरेललोग्राम पढ़ी थी और जबकि क्वेश्चन नंबर 7 में जो है रोम्बस दी हुई है, ठीक है, हम इसको भी बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह सॉल्व करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो हम अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो है हमें गिवन है टू पेयर ऑफ पॉइंट्स आर गिवन, ठीक है, यानी कि दो पॉइंट्स के पेयर्स गिवन है, ठीक है। तो वो पेयर ऑफ पॉइंट्स मैं लिख देता हूँ, एक पेयर जो है 1, -2 और साथ में दूसरा पॉइंट इस पेयर में जो है 2, 4 है, ठीक है, और दूसरा पेयर जो है वो 4, 1 और उसके दूसरा पॉइंट जो है -8, 2। अच्छा, ये दो पेयर्स हमें गिवन हैं तो हम इन पॉइंट्स के नाम रख देते हैं खुद से, इसको ए पॉइंट कह देते हैं, इसको बी पॉइंट और इसको सी पॉइंट और इसको डी पॉइंट कह देते हैं। तो अब देखें तो उन्होंने हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है कि ए और बी यानी कि एक पेयर जो है उसको ज्वाइन करने से, उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से एक लाइन बनती है, ठीक है, लेट्स सपोज ये एक लाइन है ए बी लाइन, सही। इसी तरह से सी और डी को ज्वाइन करने से भी एक लाइन बनती है सी और ये डी लाइन, ठीक है। तो उस उन्होंने ये कहा हुआ है कि ये ए बी लाइन और सी डी लाइन इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन बनता है, ठीक है, आपस में इन दोनों लाइंस का क्या रिलेशन है वो हमने फाइंड करना है। या तो ये लाइंस पैरेलल हैं, नंबर वन, या तो पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है, या फिर परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और या फिर नन, मतलब कि इन दोनों में से कोई भी नहीं। अच्छा, अब हम ये कैसे फाइंड करेंगे कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं या फिर इन दोनों में से कोई रिलेशन नहीं करने बनता, ठीक है। तो हम देखें तो हम अभी तक क्या पढ़ते आए हैं, स्लोप पढ़ते हैं, ठीक है, इस एक्सरसाइज में। तो स्लोप की प्रॉपर्टीज़ हमने एक पढ़ी थी पैरेलल लाइंस के लिए भी, परपेंडिकुलर लाइंस के लिए भी हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस के लिए स्लोप की क्या थी प्रॉपर्टी, क्या हमने पढ़ी थी कि पैरेलल लाइंस के लिए दोनों स्लोप्स इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, स्लोप्स शुड बी इक्वल, ठीक है। तो इसी तरह परपेंडिकुलर लाइंस के लिए हमने स्लोप की क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि दोनों का प्रोडक्ट जो है, मतलब M1 जो है, लेट्स सपोज अगर एक लाइन की स्लोप है और M2 जो है वो दूसरी लाइन की स्लोप है, दोनों आपस में अगर परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो इज इक्वल टू -1 आएगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर के लिए, परपेंडिकुलर लाइंस जो आपस में परपेंडिकुलर हैं उनकी प्रॉपर्टी थी स्लोप्स की। अच्छा, अब हम इसी तरह स्लोप्स के थ्रू हमने प्रूव करना है, तो मतलब हमें ए बी लाइन की पहले स्लोप फाइंड करनी पड़ेगी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है। तो वो किसके बराबर आएगा, ए बी एक लाइन है जिसमें ए और बी पॉइंट लाए कर रहे हैं, तो उसमें से फिर हम दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट्स जो हमें गिवन हैं वो क्या हैं, 1, -2, 1, -2, और इसी तरह बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं 2, 4। अच्छा, अब इसको एक्स वन कह देते हैं, इसको एक्स टू वाई वन कह देते हैं, इसको x2 और इसको y2, इनको अब उस फार्मूला में, स्लोप के फार्मूला में पुट करते हैं तो क्या बनेगा, 4 -2 डिवाइडेड बाई x2 -1, मतलब 2 -1। तो ये बन जाएगा 4 + 2 डिवाइडेड बाई 2 - 1 इज 1, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि 4 + 2 इज 6, स्लोप ऑफ ए बी हमारे पास आ गया, स्लोप ऑफ ए बी is equal to 6। इसी तरह हम दूसरी लाइन की स्लोप फाइंड करेंगे, जो दूसरा पेयर हमें दिया हुआ था और उसको ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है उसकी स्लोप हम फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ सी डी, ठीक है, सी डी। इसके लिए हम सी और डी पॉइंट यूज़ करेंगे, ठीक है, स्लोप फाइंड करने के लिए, पॉइंट सी और पॉइंट डी, जो कि हमने खुद से नाम दिए थे दूसरे पेयर के पॉइंट्स को, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 4, 1 और डी के कोऑर्डिनेट्स जो हैं -8, 2। अच्छा, ये दोनों हम यूज़ करेंगे। अब इसमें इसको x1 कह देते हैं, इसको y1 कह देते हैं, इसको x2 कह देते हैं और इसको y2 कह देते हैं। तो ये भी हम स्लोप के फार्मूला में पुट करेंगे, 2 - 1 डिवाइडेड बाय
ये आ जाता है -1/12 इसका आंसर। ठीक है, तो मतलब कि स्लोप ऑफ ए बी जो है वो 6 है और स्लोप ऑफ सी डी जो है वो -1/12 है। अगर इसको देखा जाए दोनों स्लोप्स जो हैं वो इक्वल तो नज़र नहीं आ रही। ठीक है, इक्वल तो हो नहीं सकती क्योंकि एक 6 है और एक -1/12 है। तो उसका मतलब ये है कि स्लोप ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी। इसका क्या मतलब है कि दस दोनों लाइन जो हैं वो पैरेलल नहीं है। ठीक है, दस दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, दे आर नॉट पैरेलल, नॉट पैरेलल। अच्छा, एक पॉइंट तो वो क्लियर हो गया कि पैरेलल नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या था कि क्या ये परपेंडिकुलर हैं या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होती है, दोनों स्लोप्स के आप प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है देखते हैं। तो एक की स्लोप है 6 और दूसरे की स्लोप है -1/12, इन दोनों का प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास बनता है -1/2। सही, तो अगर तो ये -1 आता इन दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट, तो फिर हम कह सकते थे कि ये जो है दोनों लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, जबकि ये तो नहीं आया। ठीक है, ये तो रिजल्ट -1 नहीं आया बल्कि -1/2 आया। तो उसका मतलब ये है कि दे आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, एज द प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू -1, एज प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज नॉट इक्वल टू -1, तो फिर क्या होना चाहिए, दे आर नॉट पैरेलल, दस दे आर नॉट परपेंडिकुलर, नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा, और पीछे हमारे पास एक ही ऑप्शन बचती है कि नन। ठीक है, मतलब कि ना पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर है, तो ये कंडीशन ट्रू है। सही है, तो हम कह सकते हैं कि नन इज द आंसर। सही, इसी तरह बी पार्ट जो है उसमें भी हमें दो पेयर ऑफ पॉइंट्स गिवन हैं। ठीक है, तो उसको भी बिल्कुल सेम इस तरह सॉल्व हमने करना है, तो उसमें से देखना है कि क्या ये पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं या फिर दोनों नहीं हैं। सही, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या गिवन है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू 7, -9। देखो, अगर हमने फाइंड करना है एक इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब कि एक लाइन है उसकी इक्वेशन को फाइंड करना है, तो लाइन कौन सी है, लाइन जो है एक दो चीज़ें लाइन के बारे में बताई हुई हैं, एक तो लाइन हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, एक लाइन हॉरिजॉन्टल है, एक चीज़ तो ये हमें दी हुई है, और दूसरी चीज़ लाइन के बारे में हमें क्या बताया हुआ है कि पासिंग थ्रू पॉइंट। और वो पॉइंट क्या है, 7, -9। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं, एक तो लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल है और दूसरी चीज़ क्या है कि पासिंग थ्रू पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट से भी वो लाइन पास कर रही है। सही, तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, जो कि पहले हम अक्सर ये बात करते रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल जो है एक्स एक्सिस के अलावा कोई भी लाइन हो वो हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाई जाती है। ठीक है, वाई एक्सिस के अलावा कोई लाइन हो वो वर्टिकल लाइन कहलाई जाती है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का वही मतलब है कि एक्स एक्सिस के साथ जो लाई कर रही है। सही, मतलब कि ये वाली लाइन जो है एक्स एक्सिस के ऊपर जो लाई कर रही है या एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लाई कर रही है, तो या एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो वो लाइन जो होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, तो उसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बनाएगी, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जब 0 है तो आप इसके स्लोप भी देखें, स्टीपनेस भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो मतलब कि स्लोप 0 है, तो स्लोप को हम कह सकते हैं स्लोप इज इक्वल टू 0 है। सही, अच्छा अब देखें कि दूसरा ये है कि एक पॉइंट भी हमें गिवन है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 7 है और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो -9 है। अच्छा, अब इक्वेशन हमने लिखनी है इस लाइन की, तो इक्वेशन के लिए देखें हम तो पहले जो स्लोप का फॉर्मूला पढ़ते आए हैं जो कि बराबर होता था m इज इक्वल टू y2 - y1
ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। ये भी एक इक्वेशन है जिसमें एक तो उस लाइन की स्लोप होती थी, ठीक है, और दूसरा के उसके वाई कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस को डिवाइड करते थे उसके एक्स कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस को, ठीक है। दो पॉइंट्स हमें गिवन होते थे तो हम इसलिए हम उनका डिफरेंस करके उसको डिवाइड कर देते थे। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि हमें तो एक पॉइंट गिवन है, ठीक है, दूसरा पॉइंट नहीं गिवन, मतलब कि वाई वन और एक्स वन हमें गिवन है और वाई टू एक्स टू हमें नहीं गिवन। तो हम ये करते हैं कि वाई टू को वाई कह देते हैं, एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करते हैं, और एक्स टू को एक्स कह देते हैं, उसको भी एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम ये हमें गिवन ही नहीं है, दूसरा पॉइंट ही नहीं हमें गिवन, तो हम इसमें पुट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा एम इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन ओवर एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है, यहाँ से ये बन गया, ये मैंने पुट कर दिया तो ये बन गया। अच्छा, अब यह है कि इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं जिस तरह दूसरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके आए हैं, तो क्या होगा, ये x माइनस एक्स वन जो है वो राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, तो इधर आके m के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, m इंटू एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन। अच्छा, अब ये देखे जाए तो ये एक इक्वेशन बन गई है, ठीक है, जो कि लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसमें उस लाइन की स्लोप भी आ जाती है, ठीक है, और वो कोऑर्डिनेट्स भी आ जाते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, ये जो है ये पॉइंट एक बनता है ये वाला, इसको मैं रेड से हाईलाइट कर देता हूँ, एक्स वन और वाई वन ये मिलके जो है एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बना देते हैं जिसके थ्रू वो लाइन पास कर रही होती है, मतलब कि ये एक लाइन है, ठीक है, उसकी स्लोप जो है वो एम है और एक पॉइंट के थ्रू वो पास कर रही है या पॉइंट उसके ऊपर लाई कर रहा है उस लाइन के ऊपर जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वन और वाई वन, सही। तो ये एक इक्वेशन की लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये इक्वेशन है, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे और इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ये स्पेसिफिक पॉइंट जो हमें गिवन है ये वाला 7, -9 और उसकी स्लोप भी हमें गिवन है तो उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो हमारे पास ऐसी लाइन आ जाएगी जो कि हॉरिजॉन्टल होगी और दूसरा इस पॉइंट से भी पास कर रही होगी, ठीक है। तो हम पुट करते हैं m इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करते हैं, m की जगह आ जाएगा ज़ीरो इंटू एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू y जो है वो तो x माइनस एक्स वन, एक्स वन की जगह हमारे पास क्या आएगा उसकी वैल्यू, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट हमें गिवन है उसका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, उसका x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है 7 है, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। इसी तरह y जो है वो एक वेरिएबल है, वो तो उसी तरह हम लिखेंगे y ही लिखेंगे क्योंकि इसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू हमें नहीं पता। तो y1 जो है वो हमें गिवन है पॉइंट, ठीक है, पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जो कि -9 के बराबर है, तो वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या बनता है, ज़ीरो ज़ीरो देखें तो मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स माइनस सेवन के साथ, तो ज़ीरो किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो उसको भी ज़ीरो बना देता है, इज इक्वल टू वाई प्लस नाइन बन जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से नाइन को अगर दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, मतलब लेफ्ट साइड पे लेके आए, तो -9 हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर पहले से पॉजिटिव है। तो ये एक ऐसी लाइन है, लाइन की इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशन ऐसी लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है जिस जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है और दूसरा ये कि वो 7, -9 से पास करती है, ठीक है। तो इसको अगर हम ग्राफिकली देखें तो कहाँ पर लाई करती है, लेट्स सपोज ये एक एक्स वाई एक्सिस है, ठीक है, ये वाई और ये वाई डैश, ये एक्स और ये एक्स डैश, यहाँ पर करके अगर तो आता है 9 और यहाँ पर करके -9 आता है वाई एक्सिस पे, तो फिर लाइन जो है वाई इज इक्वल टू -9 ऐसे एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ठीक है, ये लाइन बनती है, मतलब कि तकरीबन ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, सही है। तो ये एक ऐसी लाइन, इस लाइन की इक्वेशन ये है, ठीक है, वाई इज इक्वल टू -9। तो अब हम अगले पार्ट पे आते हैं इसके, क्वेश्चन नंबर 9 के बी पार्ट। अच्छा, बी पार्ट में क्या कहा गया है, बी पार्ट में हमें कहा गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ऐसी लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है जो कि एक तो वर्टिकल हो, ठीक है, एक हमें बताया गया है कि वो लाइन वर्टिकल होनी चाहिए, और दूसरा ये कि पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट हमें गिवन है, ठीक है, पासिंग थ्रू एक पॉइंट जो है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -5, 3
ठीक है, इस पॉइंट के थ्रू पास करना चाहिए, और दूसरा ये कि वो वर्टिकल लाइन होनी चाहिए। अच्छा, वर्टिकल लाइन क्या होती है पहले तो हम ये देखते हैं। वर्टिकल लाइन जो कि हम पहले भी देख चुके हैं अक्सर, कि वाई एक्सिस को मैंने वर्टिकल लाइन कहा था, ठीक है। अगर आप याद करें 4.1 के शुरू में जब एक्स वाई एक्सिस या कार्टिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने स्टडी किया था, तो वाई एक्सिस को मैंने वर्टिकल लाइन कहा था। तो मतलब कि ये लाइन जो है, जो जिसकी इक्वेशन हमें रिक्वायर्ड है, तो वो लाइन जो है या तो वाई एक्सिस है या फिर वो क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है, ठीक है, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है इस तरह से। अच्छा, अब क्या है कि दूसरा, एक तो वर्टिकल हमने चेक कर लिया जी कि वर्टिकल होता क्या है, तो वर्टिकल इस तरह से लाइन होगी, ठीक है। और दूसरा ये कि पासिंग थ्रू पॉइंट -5.3, मतलब कि इस पॉइंट के थ्रू पास करनी चाहिए वो लाइन, ठीक है, जहाँ कहीं जो है लाइन जो है वो लाई करी होगी, मतलब कि ये तो एक्स एक्सिस नेगेटिव है तो यहाँ कहीं लाई करी होगी, ठीक है, ये लाइन होगी। तो -5.3 या यहाँ पर लाइन पॉइंट ये लाई करेगा, ठीक। तो इस तरह से अब इसको देखें तो इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट लाई करेगा -5.3, तो इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ये एक्स वन बन जाएगा, ठीक है, तो ये वाई वन बन जाएगा क्योंकि ये एक्स कोऑर्डिनेट है पॉइंट का और ये वाई कोऑर्डिनेट है पॉइंट का। तो हम इसको उसी इक्वेशन में जो हमने पहले पार्ट में पढ़ी, इक्वेशन ऑफ लाइन वो थी एम इज इंटू एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन, इसमें एक्स वन और वाई वन की वैल्यूज पुट करते हैं और स्लोप की वैल्यू भी पुट करते हैं। अच्छा, स्लोप की वैल्यू क्या आएगी इसमें, वर्टिकल लाइन कोई भी वर्टिकल लाइन हो, ठीक है, उसकी स्लोप इन्फिनिटी होती है। और वो इन्फिनिटी कैसे आती है, ये देखें, अगर ये लाइन है वर्टिकल लाइन जो रिक्वायर्ड है, या ये लाइन है वर्टिकल, ठीक है, तो वाई एक्सिस हमेशा एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री बनाती है, ठीक है, वर्टिकल लाइन जो है वो हमेशा एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाती है, 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो 90 डिग्री एंगल बनाती है, तो हमने स्लोप का एक फार्मूला हमने पहले पढ़ा था, एम इज इक्वल टू, एक तो वाई टू माइनस वाई वन और एक्स टू माइनस एक्स वन पढ़ा था, ठीक है, जब हमें दो पॉइंट्स गिवन हो। जब हमें एंगल गिवन हो तो हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, एम इज इक्वल टू टेन थीटा, सही, ये भी बराबर होता है स्लोप के, क्योंकि टेंजेंट थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बेस के, मतलब कि राइज ओवर रन के बराबर होता है, तो इसी तरह स्लोप बराबर आ जाती है टेन थीटा की। अच्छा, अब थीटा हम देखें तो वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है उस रिक्वायर्ड लाइन का, वर्टिकल लाइन का, तो हम इसमें थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, एम इज इक्वल टू 1090, 1090 डिग्री, 1090 डिग्री हमें बताया कि वो इन्फिनिटी के बराबर होता है, मतलब कि स्लोप हमारे पास इन्फिनिटी बनती है, तो यही हमें चाहिए इसमें, इस पॉइंट में। तो एम इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ गया, साथ में एक्स वेरिएबल है वो उसी तरह हम लिखेंगे एक्स ही, और एक्स वन जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट है जो हमें पॉइंट गिवन है, इंटू -5 हो जाएगा, साथ में वाई जो है वो एक वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल को रिप्रेजेंट करे जिसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, तो उसको हम वाई ही लिखेंगे, -y1, वाई वन जो है वो जो गिवन पॉइंट है उसका वाई कोऑर्डिनेट है जिसकी वैल्यू 3 है। अच्छा, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इन्फिनिटी इन्फिनिटी जहाँ पर एक्स प्लस 5 के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, इज इक्वल टू वाई -3। अब ये एक्स प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ पर आके क्या होगी, वाई -3 के साथ डिवाइड हो जाएगी, ठीक, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। अब देखें, कोई भी चीज़ या कोई भी जो है वैल्यू, ठीक है, या कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू, कोई भी डिजिट डिवाइड हो रहा हो इन्फिनिटी के साथ, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। और कोई भी चीज़ को हम, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू को हम 0 के साथ डिवाइड करें तो इन्फिनिटी आता है, यानी कि दोनों आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ पर इन्फिनिटी डिवाइड कर रहा है वाई -3 को, उसका मतलब है कि ये रिज़ल्ट 0 आएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ डिवाइड हो रही हो इन्फिनिटी के साथ रिज़ल्ट 0 आता है। एक्स इज इक्वल, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आ गया, तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू -5 हमारे पास इक्वेशन बन जाती है, इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि वर्टिकल लाइन है और पॉइंट -5.3 से पास करी है, ठीक है। इसको अगर हम ग्राफिकली देखें तो ये पॉइंट, ये लाइन बनती है, ये एक्स वाई एक्सिस है अगर, तो इसमें -5, एक्स इज इक्वल टू -5, यहाँ पर अगर एक्स जो है -5 है तो ये लाइन बनेगी, ठीक है, पॉइंट के थ्रू पास करेगी इस तरह से, ये पॉइंट -5 है, एक्स इज इक्वल टू -5, ये लाइन बनती है, ठीक है, जो कि, और यहाँ कहीं जो है
थ्री, अगर ये वाई एक्सिस थ्री है तो ये वो पॉइंट है जहाँ से वो पास करती है, -5, 3। ठीक, तो ये वो लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें रिक्वायर्ड थी, हमने निकाली वो इक्वेशन। ठीक है, एक्स इक्वल टू -5। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, सी पार्ट पे। सी पार्ट में क्या है कि हमें कहा गया है सी पार्ट में कि द लाइन बाइसेक्टिंग द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करना चाहिए। तो एक्स वाई एक्सिस हमने पहले पढ़ा था, ये होता है। ठीक है, उसके चार क्वाड्रेंट्स होते हैं, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट और चौथा क्वाड्रेंट। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसको बाइसेक्ट करके देखें कैसे बनता है ये, बाइसेक्ट कौन सी लाइन करी होगी, कोई ऐसी लाइन आपके माइंड में हो जो कि हम ड्रॉ कर सकें जो कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करें। लेट्स सपोज अगर मैं ये ड्रॉ करता हूँ इस तरह से ये लाइन, तो क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करिए, मतलब बाइसेक्ट करिए फर्स्ट क्वाड्रेंट को? आपका क्या ख्याल है कि ये बाइसेक्ट करी होगी? नहीं, ये बाइसेक्ट नहीं करी। उसकी रीज़न क्या हो सकती है? उसकी रीज़न मैं बताता हूँ कि देखें, एक पार्ट तो चलें ये बन गया यहाँ से यहाँ तक लाइन तक। ठीक है, दूसरा पार्ट देखें तो ये तो वाई एक्सिस कभी एंड नहीं होता, बल्कि ये तो इंक्रीज तक जाता है। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जो हैं वो इन्फिनिट तक जाते हैं, ना कि किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू तक जाते हैं। तो ये तो फिर बराबर हिस्सों में तकसीम ना हुआ, सही। तो इस तरह से अब हम फिर देखते हैं कि ये लाइन तो चले रिक्वायर्ड नहीं है, तो दूसरी लाइन क्या हो सकती है? इसको अगर मैं इस तरह से डिवाइड करूँ तो क्या ये सही होगा? क्या ये लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट को दो बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट कर रही है? नहीं, बल्कि ये देखें, ये लाइन चलें, ये एक पार्ट तो ये बन जाता है। ठीक है, यहाँ से इस लाइन तक। दूसरा अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस, जिस तरह वाई एक्सिस की मैंने बात की कि किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू तक नहीं जाती बल्कि ये इन्फिनिट तक आगे चलती रहती है। ठीक है, तो ये भी दो बराबर हिस्सों में तकसीम नहीं करी, तो फिर कौन सी ऐसी लाइन हो सकती है जो कि इनको बराबर हिस्सों में तकसीम करे, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करे? चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम जो पहले हमने एक्सरसाइज 4.1 में, ठीक है, क्वेश्चन 1 में हमने जो इक्वेशन पढ़ी थी उसको हमने ड्रॉ किया था ऐसे, ये एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू वाई, इसको अगर थोड़ा सा नीचे करके ड्रॉ करें तो इस तरह से ये इक्वेशन बनती है, लाइन बनती है ये, सही। अब इस लाइन को देखें, ये भी कहीं जाके रुकेगी नहीं बल्कि ये आगे इन्फिनिट तक चलती रहेगी। x इज इक्वल टू वाई, जहाँ पर x वन होगा वहाँ पर जो है y भी वन होगा। ठीक है, इसी तरह जहाँ पर x टू होगा वहाँ पर y भी टू होगा। ये पॉइंट्स बनते रहते हैं 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, इसी तरह अपॉन सोन जो है इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, जो कि हम फाइंड नहीं कर सकते। तो कहने का मकसद ये है कि जैसे जैसे x और y एक्सिस आगे बढ़ते जाएंगे ये लाइन भी आगे बढ़ती जाएगी और ये दो बराबर हिस्सों में इस क्वाड्रेंट को डिवाइड करती जाएगी। ठीक है, इसी तरह से इस लाइन को अगर मैं आगे बढ़ाऊँ थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये लाइन बनती है, सही। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट को भी दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है, मतलब कि सी पार्ट में हमें ये वाली लाइन रिक्वायर्ड है, सही। अच्छा, अब एक इक्वेशन की लाइन, जो एक लाइन की इक्वेशन जो हमने पहले देखी थी उसमें क्या था कि वो था m इंटू एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन। ठीक है, इसमें हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो हमें स्लोप चाहिए होती है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए, या फिर और उसके साथ में हमें एक पॉइंट चाहिए होता है, ठीक है, जिसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट। तो हमें एक पॉइंट तो चलें गिवन है पहले से, ठीक है, जिसमें हमें कहा गया था कि नहीं बल्कि पॉइंट भी हमें गिवन है, हमें तो गिवन है द लाइन बाइसेक्टिंग द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, सिर्फ इतनी सी स्टेटमेंट हमें गिवन है, तो पॉइंट तो हमें गिवन नहीं है यहाँ पर। चलें अब आगे हम इससे स्लोप को देखते हैं कि स्लोप कैसे आएगी।
श्लोक अगर देखें, ये एंगल कितना बनता है, ये एंगल जो कि एंगल है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के दरमियान, वो तो हमें पता है कि 90 डिग्री बनता है, ठीक है, जो कि हमेशा से हम पढ़ते हैं एक्स और वाई एक्सिस जो है आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री एंगल ये बनता है, ठीक है, टोटल 90 डिग्री। अच्छा, अब हम इस लाइन जो कि हमें रिक्वायर्ड लाइन है, ठीक है, उसका एंगल देखते हैं वो कितना बनता है। ये एंगल है एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, जो कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहलाएगा, ठीक है। हमने बात की थी ना पहले एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जब हमने स्लोप पढ़ी थी शुरू में, तो हमने कहा था कि एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो भी लाइन एंगल बनाती है उसको हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहेंगे, ठीक है। तो ये बनती है, ये बनता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो ये एंगल है कितना, जैसे ये देखें कि ये लाइन जो है नाइन इस एंगल को बायसेक्ट कर रही है, मतलब डिवाइड कर रही है, हाफ कर रही है, सही। तो मतलब 90 का हाफ क्या हुआ, 45 डिग्री, सही। तो मतलब कि थीटा जो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज इक्वल टू 45 डिग्री हम निकाल चुके हैं, सही। तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, एम इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, सही, जो कि अभी हमने पहले पार्ट में पढ़ी है इसके सेकंड पार्ट में। तो इसमें पुट कर देते हैं, टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू एम, मतलब कि स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट 45, और टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1, मतलब कि स्लोप की वैल्यू आ गई 1। अच्छा, अब हम कह सकते हैं स्लोप किसके बराबर होती थी, राइज ओवर रैम के, ठीक है, वाई ओवर एक्स के, ठीक। क्योंकि हम ये क्यों नहीं यूज़ करें, क्योंकि हमें ना कोई पॉइंट, दोनों में से कोई एक पॉइंट भी नहीं गिवन, मतलब कि ना हम एक्स और वाई फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही हमें एक्स वन और वाई वन हमें पता है। तो हम ये कह सकते हैं एम इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स, ठीक है, राइज ओवर रन, तो फिर वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्लोप की वैल्यू तो हम फाइंड कर चुके हैं। तो यहाँ से एक्स यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो वाई इज इक्वल टू एक्स आ जाएगी इक्वेशन, जो कि रिक्वायर्ड इक्वेशन है, जो कि इस लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है, इस लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, वाई इज इक्वल टू एक्स, और इसकी स्लोप जो है वो 1 है, सही। तो यही हमें रिक्वायर्ड थी। इसी तरह से पार्ट डी जो है, पार्ट डी में हमें कहा गया है फाइंड द लाइन बाइसेक्टिंग द सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करना चाहिए। तो इस तरह से जिस तरह ये हमने लाइन ड्रॉ की थी एक्स इक्वल टू वाई, उसी तरह से यहाँ पर जो है ये बाइसेक्ट करेगी, तो इसकी इक्वेशन भी हमने लिखनी है। तो इसमें हम पॉइंट भी नहीं गिवन, ठीक है, हम वही चीज़ यूज़ करेंगे एम इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स, लेकिन यहाँ पर एम किस तरह हम फाइंड करेंगे, एम के लिए हमें थीटा चाहिए था, थीटा कितना बनता है, ये एंगल एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो एंगल ये लाइन बना रही है ये एंगल कितना बनता है। तो जैसे कि हमने पहले देखा कि ये एंगल जो है 90 डिग्री है, ठीक है, और साथ में ये एंगल जो है वो कितना है, क्योंकि ये भी एंगल 90 डिग्री है, सही, इस एंगल को हाफ करिए ये लाइन, तो ये फिर 45 डिग्री बना, क्योंकि इस 90 डिग्री का हाफ 45, ये एंगल 45 बना, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल 90 डिग्री बना, तो इन दोनों का सम ये टोटल एंगल बन जाएगा, ठीक है। टोटल एंगल कितना बनेगा, 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 135 डिग्री, सही, थीटा हमारे पास आ गया 135 डिग्री। तो फिर वहीं से हम लगाएंगे एम इज इक्वल टू 10 ऑफ 135 डिग्री, तो यहाँ से हमारे पास स्लोप आ जाएगी, और इसमें पुट करेंगे और इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेंगे, जिस तरह से हमने सी पार्ट में किया। अच्छा, अब यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो है 9 ख़त्म होता है।